हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर लिविंग लाइफ विद द मेंबर्स ऑफ फैमिली। लेट्स स्टार्ट। वी लर्न वैल्यूज, गुड हैबिट्स एंड मैनर्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम परिवार से अच्छी आदतें और शिष्टाचार सीखते हैं। फैमिली इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। परिवार बच्चे का पहला स्कूल भी कहा जाता है। फादर एंड मदर प्रोवाइड ऑल द थिंग्स वी नीड। माता और पिता हमारी आवश्यकता की सभी चीजें हमें प्रदान करते हैं। वी टेक केयर ऑफ ईच अदर वेन वी आर सिक। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जब हम बीमार होते हैं। इफ आवर फैमिली इज जॉइंट वन, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर। अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द मेंबर्स वर्क टुगेदर टू रन द फैमिली। सभी सदस्य मिलजुल कर परिवार को चलाने के लिए कार्य करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर द फैमिली। जो दादा दादी होते हैं वो परिवार का रोल मॉडल होते हैं। दे सेट गुड वैल्यूज फॉर द फैमिली। वो परिवार के लिए अच्छे संस्कारों की स्थापना करते हैं। दे हैव ए स्पेशल रोल इन द फैमिली। उनका परिवार में एक विशेष रोल होता है। दे गिव अस देयर टेंडर केयर। वह बहुत सावधानी से हमारी देखभाल करते हैं। ग्रैंडमा टेल अस स्टोरीज एंड ग्रैंडपा होल्ड आवर हैंड फॉर ए वॉक इन द पार्क। दादी माँ हमें कहानी सुनाती है और दादाजी वॉक करते समय हमारा हाथ थाम लेते हैं। वी मस्ट हेल्प एंड ओबे ऑल द एल्डर इन द फैमिली। हमें अपने बड़ों की हर बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर आवर रियल फ्रेंड्स। जो हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वी प्ले एंड एंजॉय विद देम। हम उनके साथ खेलते हैं और मजे करते हैं। वी डू मैनी थिंग्स इन द फैमिली। हम परिवार के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी ईट टुगेदर। हम एक साथ खाते हैं। द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ खाता है वो एक साथ रहता है। वी गो आउट ऑन पिकनिक टुगेदर। हम एक साथ पिकनिक पर जाते हैं। गोइंग ऑन पिकनिक इज वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। पिकनिक पर जाना मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा साधन है। वी वॉच मूवीज एंड टीवी प्रोग्राम्स टुगेदर। हम एक साथ मूवीज देख सकते हैं और टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हैं। वॉचिंग टुगेदर हेल्प अस टू इंक्रीज नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। एक साथ देखने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हम जो भी मूवी या प्रोग्राम देखते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। वी गो शॉपिंग टुगेदर। हम एक साथ शॉपिंग पर जाते हैं। शॉपिंग टुगेदर गिव अस ग्रेट प्लेजर। एक साथ शॉपिंग पर जाना हमें बहुत खुशी देता है। वी प्ले इनडोर एंड आउटडोर गेम्स टुगेदर। हम एक साथ इनडोर और आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं। प्लेइंग टुगेदर हेल्प अस टू बिल्ड अप पॉजिटिव स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। एक साथ खेलने से हमारे अंदर खेल की अच्छी भावना विकसित होती है। वी सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडे पार्टीज एंड फेस्टिवल्स। हम एक साथ बर्थडे पार्टीज मनाते हैं और त्यौहार भी मनाते हैं। सेलिब्रेटिंग ओकेजन्स मेक द फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर। एक साथ त्यौहार मनाने से, बर्थडे पार्टीज मनाने से हमारे परिवार की बॉन्डिंग मजबूत होती है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। हम एक साथ त्यौहार मनाते हैं। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल टुगेदर टेल अस अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज। एक साथ त्यौहार मनाना हमें संस्कृति और धरोहर के बारे में बताता है। वी टेक केयर ऑफ वन अनदर वेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर वेन सिक ब्रिंग अस इमोशनली क्लोजर टू ईच अदर। जब कोई बीमार होता है और हम ख्याल रखते हैं, इससे क्या होता है? भावनात्मक लगाव एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। तो लास्ट में हम यही कहेंगे, मैन इज नोन एज द सोशल एनिमल हु कैन नॉट लिव अलोन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। सी यू सून अगेन। बाय बाय।